बाघ के वॉइस से नहीं होता है। अच्छा अच्छा, पैकेज पैकेज में 2800 क्या रेट बढ़ गया? 1800 गाइस नमस्कार शेवारो, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों आज से चालू करने वाला हूँ मेरा जो वर्कआउट है, आप लोग थंबनेल में देख के तो पता चल ही गया होगा। और आपको बता दो दोस्तों, आप मैं जो अनिनी ट्रिप पर गया था तो उस ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया और आपको दिखा थोड़ा बहुत दिखाने का कोशिश किया जो अनिनी का जो सड़क है किस तरीके का है, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एडवेंचर आया। और जिसे भी जो भी एडवेंचर लवर है वो जा सकते हैं अनिनी ट्रिप पर। और दोस्तों वहां से आते समय मेरा एक प्रॉब्लम हो गया, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों, भाई का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए सुअर इतना बड़ा बड़ा आया है, आप देख सकते हैं, ये मेरा कुत्ता उनको भूखते हुए। तो ये देखिए आसाम ट्रैक्टर भाई, तीन है, कहाँ से आया है पता नहीं। तो चलिए क्या हुआ है मेरे साथ आपको बताते हैं। ये जो मेरा GoPro है आप देख सकते हैं, जब मैं 80-90 या 100 का स्पीड में चला के आया तो ये देखिए ये क्या हो गया, माइक से कनेक्ट होके दोस्तों ये यहाँ पर ऐसा घुसता है। तो ये देखिए हवा के कारण से टेढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं। तो फिर भी ये काम कर रहा है, और अगर फिर एक नेक्स्ट ट्रिप में जाए तो ये लेके जाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। तो इसी तरीके का मैं दो तीन और भी लेके जाऊंगा क्योंकि रास्ते पर दिक्कत ना आए। और अभी देखिए दोस्तों मैं किस जगह पर हूँ, मैं हूँ मन खुशी बगान का सामने। और दोस्तों अभी देखिए शाम का 3:30 हो चुका है, और देखिए यहाँ का नज़ारा थोड़ा कुछ इस तरीके का है क्योंकि दोस्तों ये कटिंग किया गया है और इस साइड में अभी ये कली निकलने वाला है, आप देख सकते हैं छोटा 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 है। और थोड़ा अच्छा उस साइड में चलते हैं और दिखाते हैं आपको कली। शायद आप लोगों को लग रहा होगा इसका आँख खराब हो गया क्या? नहीं भाई, आँख खराब नहीं हुआ है, ये है आई प्रोटेक्शन ग्लास खरीदा हूँ क्योंकि एडिटिंग करते समय थोड़ा आँख गड़ता है ना, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आई प्रोटेक्शन ग्लास ले लिया हूँ। आज से मैं करने वाला हूँ जिम ज्वाइन, हालांकि मैंने पहले भी जिम किया है और अभी गैप हो चुका है मेरा लगभग 7-8 महीना, लगभग साल भर हाथ भी पतला पतला हो गया है। जब जिम करता तो पूरा वॉल्यूम फूल जाता था शरीर। अभी देखिए ये जो टी शर्ट है, ये टी शर्ट पहले टाइट होता था लेकिन अभी लूज हो गया है। और दिखाते हैं आज जिम में क्या क्या होता है, कैसा रिएक्शन होता है, वेट उठा पाता हूँ या नहीं, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों आगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कली निकल रहा है इस तरीके का चाय का पत्ती। अभी फेब्रुअरी चल रहा है, अप्रैल से दोस्तों ये चाय का पौधा चाय पत्ती देने लग जाएगा और प्लाकिंग चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ साथ जा रहा है बांद्रा, तो ये जो कुत्ता आगे में जा रहा है इसका नाम है जेंगो। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं मेरे पीछे पीछे आ जाता है। और एक कालू है, वो अभी मेरा पीछे, शायद उसको पता नहीं चला कि मैं इस साइड में आया हूँ, नहीं तो वो भी दौड़ते दौड़ते आ जाता। तो ये होली का बाद ये प्लाकिंग होने वाला है इसमें, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए ये बगान का नाम ये है मन खुशी। सोरो में लगी गेल फगुआ पीछे पता तुलटा हो गए के बहुत भलो लागे माइकी गिला दर मामा मेरी दे अरे हड़िया में खत्ते पाबू। ती क्या खोज रहे हो? गुरु गुरु मिला कि नहीं? बात ये इतना सेंट मार रहा है, क्या खा के आया है बताओ तो? अरे हड़िया पी दिया। बाप रे खतरनाक वाला दुर्गंध मार रहा है इन लोगों से, क्या ही बताएं। आप लोग सुनना चाहते हो बांद्रा का सेंट है? क्या होगा तुम्हारा सेंट सुनने से बताओ तो? तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी शाम का बजने वाला है 6:15 है और मैं निकल पड़ा हूँ दुलियाजान जिम की ओर, और बहुत दिनों के बाद जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा होता है, वेट उठा पाता हूँ या नहीं। और अभी फिलहाल भैया को वेट कर रहा हूँ, डूडू भैया जो बोडूबी से आने वाला है। और मेरा ये गांव में ये थोड़ा बहुत चहल पहल है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं जिम, डूडू भैया और मैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, कौन सा जिम का नाम क्या है? सिक्स पैक्स जिम। तो अभी थोड़ा खाली है, पहले का जैसा इतना भीड़ नहीं, ठंडा सीजन है इसीलिए शायद ना, गर्मी का सीजन में यहाँ पर पूरा
जगह नहीं होता है बाइक रखने के लिए, तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं। यहाँ पर रखा जाता है चप्पल, और हम लोग का पुराना मेम लोग तो है ही है। तो देखिए, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत दिन का बाद ना। तो ठीक है, हम तो एकदम बढ़िया मस्त में। तो दोस्तों ये देखिए जिम का इस तरीके का है लोकेशन, और अभी थोड़ा बहुत लगभग एक साल का बाद ही आ रहे हैं। तो भाई साहब वर्कआउट चालू करने से पहले थोड़ा बॉडी गर्म कर लेना पड़ेगा। तो देखो भाई, भैया तो चल चालू कर दिया है लेग प्रेस सो सो के, इधर 10 किलो है उधर 10 किलो, और बार का 18-20 किलो होगा, तो इतना उठाने में ही फट रहा है बहुत। आज का वर्कआउट होगा मेरा सब मिक्सचर मारने वाला हूँ आज, क्योंकि सब बॉडी का पार्ट लाइट वेट पे खोलना है। तो मेरा भैया लेग मारा, अभी चेस्ट का एक्सरसाइज कर रहा है। तो दोस्तों अभी शोल्डर एक्सरसाइज चालू हो रहा है, लेकिन ये खाली बारी उठाने का हालत खराब हो रहा है भाई। अरे थोड़ा पोजीशन थोड़ा आगे आएगा बस, अभी ठीक है। बट अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ पर भी है बहुत सारे इक्विपमेंट, और यहाँ का कुछ ट्राई करते हैं। तो ये है बैग एक्सरसाइज। तो अब भैया तो मार रहा है, मेरा बारी। तो सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप ही का आशीर्वाद है। तो ठीक है, तो हम लोग का सीनियर कोच, ये सिक्स पैक्स जिम का सीनियर कोच, तो सर लोग से बहुत ही सीखने को मिलता है। और रो पुली रो हम लोग मार लिए, अभी अंदर जा रहे हैं वेट नापने के लिए। तो मैडम एक बात पूछूं क्या, इतना बॉडी बिल्डर कहाँ से मिला आपको? देखिए तो अभी रेट कैसा हो गया, मंथली मंथली या क्वार्टरली? मंथली आपको एडमिशन विदाउट एडमिशन 1500। अच्छा, पैकेज में 2800 मतलब वो पैकेज में एक साल का, तो थ्री मंथ। अच्छा, और उस साइड में? उस साइड के और इस साइड का? वो नीचे वाला है वो। अच्छा, वो बताएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ा अभी हम लोग जहाँ पर मारे वो थोड़ा लो लेवल का है, और एक्सपेंसिव भी दिखाते हैं अंदर। यहाँ भी दो भाग है, तो ये है रहा थोड़ा एक्सपेंसिव। यहाँ पर लेडीज लोग भी आते हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, तो इस तरीके से मशीन मिलेगा। तो ये काम कर रहा है या नहीं, चल ये तो ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ चढ़ के, लगभग 69.90 मेरा ड्रेस लगा के हो जाएगा, 2-3 किलो पकड़ लीजिए, 66 या 67 मेरा वेट कम गया यार बहुत, 73 से डायरेक्ट 67 आ गया। तो अभी वेट गेन करने के लिए ही आए हैं जिम पर, तो देखते हैं कितना गेन कर पाते हैं। हम लोग का वर्कआउट खत्म हो चुका है, और इन भाई लोगों का चालू है अभी। तो अभी सबसे फर्स्ट हम लोगों को मैडम लोगों को देना है फीस। चेंज हो गया बोल रहा है ना, क्या रेट बढ़ गया? 18। अच्छा, तो दोस्तों क्वार्टरली 18 मतलब 3 महीने का 1800 रुपया, और ऊपर जो VIP है वो कितना? 2800। तो अभी मुझे पे करना है 1800 भाई, तभी तो आने देगा, है कि नहीं? नहीं तो आने देगा क्या? नहीं देगा तो समझ लिए ना भाई। तो आ जाओ यार, अपना हेल्थ बनाओ। तो ओके, टाटा, बाय 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 बाय।